सहित जिले के वरीय अधिकारी प्रखंड स्तरीय क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न पैक्स गोदामों का निरीक्षण किया। साथ ही जिला पदाधिकारी किसानों से मिलकर पैक्स द्वारा धान खरीद एवं भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी ली। किसानों के पास शेष बचे धान की उपलब्धता आदि का फीडबैक लिया। जिलाधिकारी ने बेलदौर प्रखंड के बेला नौवाद पंचायत के पैक्स द्वारा क्रज किए जा रहे धान के साथ ही पैक्स के पंजी भी उपलब्ध नहीं था, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान गोदाम में रखे हुए धान के बोरों की गिनती भी कराई गई। जिलाधिकारी ने स्थल पर उपस्थित किसानों से धान अधिप्राप्ति, धान की उपज, धान की नमी, भुगतान की स्थिति आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने किसान से अनुरोध किया कि वे अपना धान पैक्स को ही बेचे। खगड़िया जिले से सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट। सर, आज आपने बेलदौर प्रखंड में कहां-कहां निरीक्षण किया? आज पूरे जिले में जितने भी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं और अनुमंडल स्तर के और प्रखंड के स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सारे लोगों का दायित्व दिया गया है कि जहां कहीं भी धान अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है, जिस भी टैक्स 100% आज उसका निरीक्षण किया जाना था और वहां पर भंडारण की क्या स्थिति है, वहां जगह है कि नहीं, अभी जो फर्दर अधिप्राप्ति होगी उसके अधिप्राप्ति करने योग्य स्पेस बचा हुआ है अथवा नहीं बचा हुआ है, और उस क्षेत्र में जो भी उसका पोषक क्षेत्र है, जो भी पंचायत उसका टैग है, वहाँ पर जो किसान है उनसे वार्ता करके ये जानकारी प्राप्त करनी थी कि क्या वास्तविक रूप से उनके पास धान उपलब्ध है जिसकी अधिप्राप्ति की जानी है। या इसी क्रम में मैं आज यहाँ पर बेलदौर प्रखंड बेला नवाद पंचायत का जो पैक्स का जो प्रोक्योरमेंट चल रहा था उसका मैंने निरीक्षण किया। वहाँ पर जो गोदाम है वो लगभग अब भर गया है और 19 लोगों से खरीदारी की गई है जो उनके पास प्रतिवेदन उपलब्ध है। हालांकि हम लोग फिर गांव में भी गए और गांव में जो किसान सलाहकार हैं उनके स्तर से 6 लोगों को चिन्हित किया गया था जिनके पास धान था, उन सब से धान लिया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग मिले जिनके पास धान उपलब्ध है, भले ही कम मात्रा में है, लेकिन सरकार का कोई मिनिमम धान लिए जाने का कोई गाइडलाइन नहीं है, यानी कि कम से कम भी हम लोग ले सकते हैं, अधिकतम की सीमा निर्धारित है ताकि अधिक से अधिक कृषकों को लाभ मिल सके इस योजना का। तो इसमें 250 क्विंटल जो है वो निजी किसी भी रैयत के लिए है और अगर किसी और के ज़मीन पर आप कर रहे हैं तो उसको बढ़ाकर 100 क्विंटल कर दिया गया। रेट जो है 1868 रुपये प्रति क्विंटल। कुछ लोग वहाँ पे मिले जिनके पास अभी भी धान है, तो आज से कल में उनसे भी अधिप्राप्ति हम लोग करवा लेंगे। हम लोगों ने, आपको याद होगा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में और 10 तारीख के आसपास 2 चरणों में ऐसे लोगों को चिन्हित किया था किसानों को जिनके पास धान है, और उनसे एक इच्छा भी, वो कब तक धान उपलब्ध या देना चाहते हैं इसके बारे में उनसे भी जानकारी, डेट उन्हीं से ही प्राप्त किया गया था। तो अब तक वैसे 52% लोगों से हम लोगों ने धान खरीद कर भी लिया जिनका कि सूचीबद्ध किया गया था। कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस बात की समीक्षा भी की गई और इसको ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे जगह अभी भी इच्छुक किसान बाकी है जिन्होंने अपना पंजीकरण कराया था और अभी तक धान अपना दे नहीं पाए विभिन्न कारणों से, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो 31 जनवरी की जो अंतिम तिथि अधिप्राप्ति के लिए घोषित की गई थी उसको विस्तारित कल किया गया 21 फरवरी तक। शर्त यही है कि 1 फरवरी से 21 फरवरी तक मात्र वैसे ही किसानों से अधिप्राप्ति अब की जाएगी जिन्होंने अपने आप को पंजीकृत करा लिया था और वे उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, ताकि इस समय जब लास्ट पीरियड होता है अधिप्राप्ति का, उसमें कोई सेठ साहूकार या कोई बड़े किसान जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपना धान ना बेच लें और लाभ ले लें, इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। सीमांत किसान और मध्यम किसान जो हैं उनके लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको इस योजना का लाभ अधिक से अधिक मिल सके। उसके बाद आज यहाँ पर हम लोग जगतगुरु राइस मिल भी आए हैं, जहाँ से हम लोग की अधिकांश मिलिंग का कार्य यहाँ पर काफ़ी लगभग 17 पैक्स का को इससे संबद्ध किया गया। जिले में राइस मिल की संख्या बहुत कम है, सीमित है, इसको ध्यान में रखते हुए जिनकी क्षमता अधिक है, क्योंकि धान को पैक से उठाकर यहाँ पर लाना भी है और उसके बाद मिलिंग क्षमता के आधार पर हम लोगों ने टैगिंग किया, तो यहाँ पर लगभग 17 पैक्स टैग्ड हैं और समय समय पर विभिन्न पैक्सों के माध्यम से जो यहाँ पर धान आ रहा है उसे CMR लेते हुए हम लोग इसको पहुँचा रहे हैं। कल तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 47 लॉट, कितना था कल तक का?
83 लॉट्स हम लोग को प्राप्त भी हो चुका है सीएमआर, जो कि मुझे लगता है कि हमारे ज़िले में ही जो अभी पीडीएस का रिक्वायरमेंट है उसी से हम लोग इस बार 63 रुपये का पैसा भी भुगतान कर दिया और हम लोग का लगभग 63 पैक्सों को उसका भुगतान भी कर दिया गया है। जो ओवरऑल रैयतों को भुगतान का जो विषय है उसमें लगभग 86% लोगों को राशि दी जा चुकी है, शेष पाइपलाइन में है। सरकार का संकल्प है इसको 24 से 48 घंटे के बीच में इसको हम लोग राशि उपलब्ध करा दें। बीच में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी जिसके कारण थोड़ा विलंब हो, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक 86% किसानों को उनका हमने राशि उपलब्ध करा दिया, जो पहले काफ़ी विलंब हुआ करता था इसको ध्यान में रखें। सर, पैक्स में जो रजिस्टर्ड किसान हैं जिनके नाम हैं उनमें से ज़्यादातर मजदूर भी हैं, उसके लिए क्या कीजिएगा? देखिए, सरकार की नीति है कि जो भी व्यक्ति, मैंने आपको कहा कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, और सीमांत किसान और छोटे किसानों पे ही हम लोग का मुख्य जो वो है केंद्र बिंदु है सभी कार्रवाई का, वो यही है कि उनसे हम लोग, अगर उनके पास कोई इच्छुक भी होने चाहिए, क्योंकि कई सीमांत किसान हैं जिनके पास जो धान की उपज होती भी अगर है तो उनके निजी कंजम्पशन के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन हम लोग ओपन हैं, अगर वो अपना समस्त धान भी बेचना चाहें तो जो सीमा है अधि सीमा उसके अंतर्गत बेच सकते हैं। और कई ऐसे किसान हैं जो अभी मजदूरी करने के लिए, हो सकता है कि दूसरे प्रांतों में लौट गए, ऐसी संभावना है, तो उनका परिवार यहाँ पर है तो वो भी यहाँ पर धान अधिप्राप्ति में अपना उसका लाभ ले सकते हैं, उनका परिवार भी ले सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। सर, दूसरा पीडीएस से ही जुड़ा हुआ है, अब तक जो है आधे से अधिक डीलरों को खाद्यान्न नहीं मिला है, महज 2 दिन अवशेष बचा हुआ है, ऐसे में 2 माह का खाद्यान्न लेप्स होने की आशंका जाहिर है। बेलदौर प्रखंड में विशेषकर यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर था उनके स्ट्राइक की बात सामने आ रही थी कि मजदूरों ने स्ट्राइक किया और जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने भी, इसलिए मैं आज स्वयं भी अभी यहाँ के बाद में वहीं पर जाने वाला हूँ। कल तक जो है बेलदौर का जो यहाँ से उठाव नहीं हो पा रहा था, अभी मैंने देखा कि खुला हुआ है और उठाव हो रहा था, तो इसमें समस्या थी ट्रांसपोर्टर वाली। हम लोग निश्चित रूप से इसमें लैप्स होने नहीं देंगे, अगर लैप्स होता भी है तो विशेष परिस्थिति में इसकी अनुमति प्राप्त करते हुए, क्योंकि 2 महीने का खाद्यान्न उसको लैप्स हम लोग किसी भी परिस्थिति में होने नहीं दे सकते। कोई दुख जो तकनीकी समस्या है उसके निराकरण के लिए हमारे स्तर से ही पहल की जाएगी, तो उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं, निश्चित रूप से हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे और उसमें कोई समस्या नहीं आएगी।